श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम 15 अध्याय का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा था, सुन रहा है शिव पुराण, उसके सिर पर, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। चलिए जानते हैं कि 15 अध्याय में ऋषि दक्ष कन्याओं के बारे में क्या बताया गया है। स्वयं भूमन और सतरूपा के ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्व का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तादांतर मैंने शब्द सद तम तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों की स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्र करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की है। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया है, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिरे से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलहको, उदान वायु से पुलस्तकों को, समान वायु से वशिष्ठ को, आपान से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्षकों को, गोद से तुम को, छाया से कदर्म मुनि को तथा संकल्प से मस्तक साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म में आज्ञा से मान स्वरूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधनों में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तादांतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन सामर्थ्य उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मन उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्या उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मुने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मछली पुत्री देवहूति कदर्म को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहनी प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कदर्म द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो, श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, वृद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनमें से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनमें नाम इस प्रकार है, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा, भृंगु, शिवमरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलत्स, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, कृत्यु, अति, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं साथ दक्ष ने कश्यप के साथ में दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष, अरिष्ट, नेमि को ब्याह दी तथा भृंगु, अंगिरा और कुशाश को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप
को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त हुआ स्थावर और जंगम कोई भी श्रेष्ठ ऐसा नहीं है जो कश्यप की संतान से शून्य हो। देवता ऋषि दैत्य वृक्ष पति पक्षी पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हुआ है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भलीभांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्होंने तपस्या के लिए प्रकट किया तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याह ही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिव पार्वती रूप प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में के अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रा काली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणाली और सर्वमंगला आदि अनेक नाम है जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया। ब्राह्मण का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया। मैं विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निगुण और सगुण भी है। तो यहीं पर ये 15 अध्याय समाप्त होता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम 16 अध्याय का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर बताएंगे। 16 अध्याय में बताया गया है कि यज्ञ दत्त कुमारों को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।